साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ दिल के मरीज हैं। मरीज के लिए सीख कबाब और शामी कबाब की फराहमी जो की जा रही है सवाल निशान बन गया है। मरीज को गोश्त, तेज मसाला जात और चिकनाई से परहेज करवाया जाता है। माहरीन अमराज़ क़ल्ब की जानिब से ये कहना है। तफसीलात जानेंगे इस हवाले से सजाद काज़मी से। सजाद काज़मी, दिल के मरीज, तली हुई तमाम तर चीज़ें और इसके अलावा जो कुछ पेश किया गया नवाज शरीफ की तवाज़ो के लिए, उनसे मना किया जाता है और यही माहरीन अमराज़ क़ल्ब कहते हैं। जी नज़ामी साहब, ये बड़ी हैरान कन अमर है कि ये जो चीज़ें बताई जा रही हैं, शामी कबाब, गोश्त, सीख कबाब, खासकर समोसा, चटनियाँ, कैचअप, ये तो अमराज़ क़ल्ब जो माहरीन है उनका कहना है कि ये इस वक्त 30 साल के बाद नॉर्मल जो मरीज लोग हैं, आम सेहतमंद लोग हैं, उनको भी ये चीज़ें मना है। और जहाँ तक नवाज शरीफ की हिस्ट्री का तल्लुक है, उनकी जो हिस्ट्री जैसे बताई जा रही है कि उनका दूसरा बाईपास किया गया था, और बाईपास के मरीज के लिए इस तरह की चीज़ें खाना जो है वो हैरत अंगेज बात है। और दूसरी तरफ ये देखें कि जो नॉर्मल आदमी है उसके लिए जो दूध से मलाई वाला जो है उसकी चाय पीना भी जो माहरे अमराज के लिए सख्ती से। और ये भी हैरान कन अमर है कि जो उनके कंसल्टेंट हैं, सदस्य अस्पताल के अंदर मौजूद हैं, उन्होंने उन्हें किस तरह इजाजत दी और क्यों इजाजत दी कि वो इस तरह की चीज़ें खाएं। शायद ये उनका सियासी प्रेशर होगा कि वो एक बड़े लोग हैं और उनको इस तरह की चीज़ें मंगवा दी जाएँ ताकि कोई ऐसा नुकसान हो ना हो। यही सूरत हाल रही तो मैं नहीं समझता कि मरीज की बेहतरी की तरफ कोई सेहत आएगी, मजीद बिगाड़ पैदा हो सकता है उनकी सेहत में। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सजाद कासमी और बिलाल चौधरी हमें दोनों अपडेट कर रहे थे।